अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माजरत, मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। कप्तान और उनकी टीम ने एक बड़ा ऐलान किया, लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों को एक बड़ी खुशखबरी दी कि इस साल सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। कप्तान की टीम यानी इक्तिसादी राबता कमेटी ने भी ऐलान किया कि इस मरतबा कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक अहम खिलाड़ी यानी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान साहब ने कौमी असम्बली में बताया कि इस मरतबा गैस की लोड शेडिंग हम नहीं करेंगे। लाहौरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को इस मरतबा सर्दी में गैस मिलेगी। लेकिन साथ साथ ने इस चीज़ का भी इकरार किया, इस चीज़ का भी इतराफ़ किया, क्योंकि गैस लाइन्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए उसको तब्दील करने के लिए अब तकरीबन 225 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं, जिसके बाद गैस की जो पाइप लाइन है वो तब्दील की जाएंगी। कप्तान के इस ऐलान के बाद हम ये देखने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, जहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस साल गैस की लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो चलते हैं इलाकों में और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आया उनके चूल्हे ठंडे हुए इस मरतबा सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ, या कप्तान के ऐलान के साथ इस मरतबा गैस उनके घरों में, उनकी मार्केटों में, उनकी दुकानों में आ रही है। आइए दादा, इस तरह के इलाके में मैं और मेरी पूरी टीम पहुंची है और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि कप्तान ने एक ऐलान किया जिसके बाद कहा गया कि आवाम को खुशखबरी मिली है कि इस मरतबा सर्दी में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस पूरी दी जाएगी, जो कंज्यूमर है उसको उसकी इस्ताद के मुताबिक, उसकी डिमांड के मुताबिक यहाँ पे जो गैस है वो फराम की जाएगी। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, यहाँ लोगों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, यहाँ सिलेंडर तो मुझे नजर आ रहे हैं सामने को। क्या नाम है? हैदर। हैदर, गैस आ रही है? नहीं, गैस नहीं आ रही है। तो ये कैसे फिर दुकान चला रहे हो? ये सिलेंडर पे चल रहे हैं, सुबह से धक्के खा के हमने तक 170 रुपये किलो के हिसाब से अभी गैस भरवाई है। गैस लाइनों में लग के हमने सुबह से हवादार हो गए ना, गैस भी नहीं आ रही, ऊपर सिलेंडर की गैस भी कच्ची गैस लाइनों में लग लग के दे रहे हैं कि पकड़े ना जाएं, तो बस यही सूरत आ रहा सुबह से। हम अभी सिलेंडर की गैस भी नहीं मिल रही। नहीं, वो भी नहीं मिल रहा, वो ये पकड़ दकड़ की वजह से शॉप भी बंद की हुई है, जो वाकफ बंदा आ रहा है उसको दे रहे हैं, जो नहीं आ रहा उसको कह रहे हैं भाई गैस खत्म हो गई है। तो कप्तान ने तो ऐलान किया इस पर तो लोड शेडिंग नहीं होगी, वो ऐलान उसने उल्टा किया ना, उसने कहा लोड शेडिंग ज्यादा होगी। अच्छा, हाँ जी, ये मास जो ऐलान किया था उसका उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जो भी उसने कहा तब्दीली कहते हैं, तब्दीली ठीक है, घरों में आ रही है? नहीं, घरों में भी नहीं आ रही ना, सुबह 6 बजे की गैस, 1 बजे रात मैंने दूध उबाइल किया, उसके बाद सुबह हल्की हल्की गैस आनी शुरू हुई, उसके बाद 6 बजे गैस। घर में गुजारा कैसे करते हैं भैया? अब क्या करें, लकड़ी जला रहे हैं साथ में, मैं अभी भी लकड़ी के लिए मिट्टी का ये जो ऑयल है पेट्रोल का, ये इंजन ऑयल, ये ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ थोड़ा सा लेके, कहता चलो भी इसमें लकड़ी जल जाए, खाना पक जाए, खाना पक जाए। सुबह से मैं शुगर पेशेंट हूँ, अब सुबह से बैठे हुए खाना, बाहर का तो खा नहीं सकते, अब वो कॉस्टली है, तो घर का कैसे गुजारा हो? बुनियादी चीजें ना होंगी तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, तो कप्तान ने तो ऐलान किया इस मरतबा लोड शेडिंग ही नहीं होगी। क्या हो रही है? आज भी मैंने अखबार में पढ़ा कि वो लोड शेडिंग वो कह रहे हैं, क्या हो रही है? नेताजी तो लोड शेडिंग खत्म की जाए, हंगामे इजलास बुलाया, लेकिन वो जो पेट्रोलियम वजीर है वो कहते जी लोड शेडिंग तो है ही नहीं, ये बातें कर दी कुछ नहीं, उन्होंने तो कहा ये सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी फारिग कर दिया है, कुछ है वो आवाम को गैस नहीं दे रहे, कुछ है किसी घर में नहीं गैस नहीं आ रही, कैसे गुजारा कर रहे हैं? गैस सिलेंडर गैस नहीं आ रही, मोमबत्ती बन रही है, मोमबत्ती बन रही है, सिलेंडरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस बिल्कुल ही नहीं है, सुबह जाती है रात 1 बजे आती है, ये क्या इतनी कम होगी? मोमबत्ती आ रही, गैस आ रही? नहीं आ रही, गैस ही आ रही। गुजारा कैसे करते हैं घर में? बस ऐसे गुजारा करते हैं, तेल का भी ऐसे, बच्चों ने तो दूध पीना होता है, उनका दूध गर्म करना है, बच्चों का खाना गर्म करना है, कैसे निजाम कैसे चल रहा है? निजाम ऐसे ही चल रहा है, पक्की पकाई ले आते हैं, लकड़ियों पर गुजारा कर रहे हैं, पुराने जमाने में वापस चले गए। पहले ना कहता था हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो हमको इतनी हौसला दिया, ठीक है, तो अब ना ये कहता था सही तब्दीली आएगी, ये अब उल्टी तब्दीली आ गई है, ठीक है, क्या मिला बचा? तब्दीली आ गई, तब्दीली आई, मैं महंगाई तो इतनी बढ़ गया सर जी। नहीं, पिछले साल गैस आ रही थी? नहीं आ रही, पिछले साल आ रही थी, इतनी नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी पिछले साल, आज भी नहीं, इतनी आज भी नहीं आ रही। तीस
₹300 की चाय कर दी है। पहले कितने की मिलती थी? ₹30 की। अब क्योंकि गैस नहीं आ रही तो चाय भी महंगी, तो अगर बाहर से चाय पीनी है वो भी महंगी, और घर पे बना ही नहीं सकते। वो तो बना ही नहीं सकते, बाहर से पीनी तो बच्चों को गुजारा कैसे होता है जिनको दूध पिलाना है छोटे बच्चे? लकड़ी पे, तो लकड़ी पे तो जायका खराब नहीं हो जाता? धुआं लग जाता है ना, जायका खराब हो जाता है। और ये सुबह 9 बजे की लाइट गई है, ये 3 बजे लाइट आई है, ठीक है, उसके बाद फिर चली गई है, फिर अभी आई है लाइट, ठीक है, ये क्या ये? ठीक है, नाजी आपने लोगों की सूरत हाल जानी है, इलाके के लोग हैं जो जिस तरह उनको पता लगा कि गैस के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, ये लोगों से जानने की कोशिश करें कि आया गैस इस मरतबा जो ऐलान किया गया कप्तान की टीम की जानब से कि इस मरतबा लोड शेडिंग नहीं होगी, लोगों के घरों में भी गैस प्रोवाइड की जाएगी। मैं चाहूँगा कुछ और लोगों से जानने की जरूरत, गैस आ रही है घर में? गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही घर पे, ये यहाँ के इलाके के लोग हैं जो बता रहे हैं। चाहते हो यहाँ चलते हैं दुकान पे, लोगों का कुछ रश है, गैस आ रही है भाई घर पे? नहीं नहीं गैस नहीं आ रही। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस क्या कर सकते हैं, एलपीजी भी आज तो नहीं मिल रही, एलपीजी भी नहीं मिल रही, बहुत महंगी हो गई है। गैस आ रही है जी घर पे? तो घर का आप गुजारा कैसे, चूल्हा कैसे चला रहे हैं? ये तो खुदा जानता किस तरह हम कर रहे हैं। नवाबपुरे में जाके देखो, पूरी की पूरी वो जो इलाका रो रहा है इनकी जानों को कि गैस आई नहीं। तो कप्तान ने तो लान के इस मरतबा गैस आएगी, लोड शेडिंग तो कप्तान नहीं होगी, बताओ हम क्या करें? उन्होंने बस एक्शन लिया है, बस गैस के रेट है 70-200 रुपए किलो हुए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं किस तरह, अम्मा जी मुझे बताया बच्चों को दूध भी पिलाना है, उनको खाना भी खिलाना है, पता नहीं एक टाइम की रोटी ना खाए तो गैस आती है 5 मिनट में वो खत्म हो जाती है। तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? तो रो रहे हैं उसकी जान को, और हमने क्या करना, सिलेंडरों में जला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सिलेंडर मिल रहे हैं, सिलेंडर को भी मिले, वो भी कोई 160 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है, कोई 170, कोई फिक्स रेट नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वही दे रहा है, जिसकी इतनी मर्जी है वो रेट पे ले रहा है। और गैस बिल्कुल नहीं आ रही, रात को आती है 12 बजे के बाद, सुबह बिल्कुल गैस नहीं आता, ताकि जब सब सो जाए उसके बाद गैस आ जाएगी। रात को 5-5 बजे तक हम जाके गैस का इंतजार करते हैं, रात को भी आई आई नहीं आई तो नहीं। कंप्लेंट्स की है इसके लिए, मोहल्ले वालों ने की है, कोई नहीं सोया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई मसला, गैस आ रही घर पे? नहीं आ रही। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह अल्लाह मालिक ही है बस। तो कप्तान ने तो ऐलान किया कि तब्दीली आई है, कोई भी नहीं आई, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये तो पिछले साल आ रही थी गैस, पिछले साल तो आ रही थी, अब नहीं आ रही। पिछले साल आ रही थी गैस? पिछले साल भी ऐसी, पिछले साल भी ऐसी था, पिछले साल भी इस तरह की, सारी बार भी इस तरह का ही है, कई सालों से ऐसे ही हो रहा है, नहीं आ रहा, ऐसे ही रहना है। हाँ जी, गैस आ रही कोई, लोग तंदूरां दे वेख के शाम में रश पिया खा अंदर, पूरी भी एलपीजी रेट पे कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, कुछ इसी चीज का होना तो चाहिए। ऐलान किया उसका भी उन्होंने कि एलपीजी के रेट पे फिक्स होगा, जो ज्यादा देगा उसको बंद कर दिया जाएगा। किसी जगह फिक्स रेट तो कुछ नहीं है, हर जगह हर इंसान जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून बना हुआ है, जिसका जिधर दिल करता है। सूरतहाल आपने जानी है, यहाँ पे लोग हैं, इलाके के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गैस इनके घरों में तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, और जो एलपीजी के सिलेंडर से लेने जाते हैं उसकी कोई फिक्स प्राइस रेट नहीं है, जबकि गोमल की तरफ से ऐलान किया गया कि फिक्स रेट के मुताबिक जो सरकार रेट तय करेगी, अगर उसके मुताबिक गैस नहीं दी जाएगी, गैस एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेंगे, तो वो दुकानें बंद कर दी जाएंगी। गैस आ रही है आपके घर पे? नहीं। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? सिलेंडर, सिलेंडर। अम्मा जी गैस आ रही है घर पे? नहीं आती। तो कैसे गुजारा करते हैं? सिलेंडर से। सिलेंडर मिल जाता है? हाँ जी मिल जाता है। सही कीमत पे मिल रहा है? नहीं, गैस महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। ये सूरत हाल घर की खवातीन है, क्योंकि घर का पूरा किचन चलाना होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनसे ये सवाल किया जाए, वो बताएं कि मसाइल क्या होते हैं। इलाके में चलते हैं आगे, लोगों के घरों को दस्तक देकर उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आया उनके घर में गैस आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उनके घर में गैस नहीं आ रही तो वो फिर किस अंदाज से गुजारा कर रहे हैं। इलाके के अंदर चलते हैं और इलाके के अंदर जाके लोगों से ये सवाल करते हैं कि आया इनके घरों में गैस आ रही है, गैस आ रही है? तो सिलेंडर यूज कर रहे हैं, सिलेंडर यूज कर रहे हैं। तो एलपीजी मिल रही है? एलपीजी मिल रही है, लेकिन बड़ी शॉर्ट हो गई मिल रही है, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। हाँ जी, तो सरकार का तो रेट ये नहीं है? हाँ नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बताएं, हर दुकानदार अपनी मर्जी चीज बेचता है, अपने हिसाब से बेचता है। अम्मा जी गैस आ रही है? गैस आ रही घर पे? नहीं बेटा, कहीं भी नहीं है घर पे, दुकानदार भी रो रहे, घर वाले भी रो रहे। तो कैसे आप घर पे गुजारा कैसे वो कर सिलेंडर रहे? लेते हैं, सिलेंडर मिल जाता है आराम से? हाँ, महंगा तो नहीं मिल रहा? महंगा ही देते, सस्ता थोड़ी देते, महंगा पानी को नहीं मिल रहा है, 180 रुपए किलो मिल रहा है। किस तरह मिले तुम सिलेंडर? सिलेंडर 200 रुपए किलो लिया, 200 रुपए किलो। हाँ जी, देखो सिलेंडर से मांग आ रहे, गैस नहीं, कमर्शियल बिल देने जी। हाँ, गैस आ रही है सर घर पे? नहीं सर, गैस नहीं आ रही।
घर पे नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? सिलेंडर जला के। तो कप्तान ने तो ऐलान किया कि इस मरतबा लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, नहीं आ रही। किसी टाइम भी नहीं आती? नहीं, बहुत कम आती, जब भी आती है। जब भी आती, तो यानी उसमें कुछ पक नहीं सकता? नहीं, पक ही नहीं सकता उसमें। ठीक है, ये सूरतयाल आप इलाके के लोग की, आप जान रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जब गैस आती है तो उसका प्रेशर इतना थोड़ा होता है कि उसमें भी कोई चीज़ पक नहीं सकती। खाने पीने की अशिया लोगों ने बनानी होती है, ज़िंदगी लोगों ने गुजारनी है, वो बाहर तंदूरों पे जाने पर मजबूर है। आंटी गैस आ रही है? नहीं, वे भी रस डांडी पे काम नहीं छाड़ देती है, रोटियां छाड़ देती है। फिर किस तरह खा की रहे हो, किस तरह पकाने की कर गया था सर? इन्नी को आवाज आ रही है, तुसी सोच भी नहीं सकते, तो बदली आई है, की करिए, किराए पूरे करिए। दे कप्तान ने तो ऐलान किया कि इस बार किराए पूरे सेटिंग नहीं होएगी, किराए दीजिए कि गैस बोल लेगी, दस की करिए के घर से काम करके की बंदा पूरा करे, सोच। मुश्किल से इजाफा हो गया, बहुत बहुत जिंदगी गुजारना मुश्किल होगी, बहुत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये ख़वातीन हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और वो इलाके के लोग हैं, ये इचरा का इलाका है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे गैस आती ही नहीं है, यहाँ पे जब लोड शेडिंग, क्योंकि इस चीज़ का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से इसके इस मरतबा को लोड शेडिंग नहीं होगी, और ये भी बताया गया कि लोड शेडिंग करना वैसे ही कानूनन जुर्म है। इस इलाके के लोग इस आस पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे गैस आएगी ताकि उनके जिस घर में छोटे बच्चे हैं वो उनका दूध गर्म कर सकें, जिस घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए खाना पका सकें, लेकिन वो मजबूर हैं कि बाहर इलाके में बाहर से बाजार से खाना लेने पर मजबूर हो गए हैं। लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि क्योंकि अशिया खुरनोश की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, महंगाई में इजाफा हो गया है, उसके बाद जब गैस नहीं आ रही तो उनकी जो आमदन है, उनकी जो इनकम है वो कम है, और जो अब उनके अखराजात है वो बढ़ते जा रहे हैं। इलाके के अंदर चलते हैं, लोगों के घरों में जाने की कोशिश करते हैं कि आया उनके घर में गैस आ रही है या नहीं आ रही। आगे चलते हैं, लोगों के घरों की दस्तक देते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि आया उनके घर में गैस आ रही है या नहीं आ रही। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में कि लाहौर शहर में गैस इस मरतबा लोगों को मिल रही है उनके घर को, क्योंकि अभी अगर आप कमर्शियल सार्फीन की बात करें, घरेलू सार्फीन की बात करें, हम इचरे के इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि गैस नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे कि लोगों के घरों के अंदर जाके भी दिखा सकें आपको कि लोग किस अजियत से गुजर रहे हैं। बाहर मार्केट में जो खवातीन इस वक्त शॉपिंग करने के लिए निकली, अपने घर के लिए सामान खरीदने के लिए निकली, अशिया खुरनोश खरीदने के लिए निकली, अपने बच्चों के लिए वो सामान खाने पीने का, क्योंकि घर में वो बना नहीं सकते, बाहर मार्केट में जाते हैं वो खरीदने के लिए निकले, तो उनके मसाइल आपने सुने। हम घरों के दस्तक देंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे रिपोर्टर राना फहद हमारे साथ मौजूद। राना साहब, कप्तान ने तो ऐलान कर दिया कि इस मरतबा लोड शेडिंग होगी नहीं, सार्फीन को घरेलू सार्फीन पर खासतौर पर तवज्जो दी गई। असद उमर साहब ने भी इक़्तिसादी राबता कमेटी का जो इजलास शेयर किया उसने भी ऐलान किया, और वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान साहब ने भी ऐलान किया कि इस मरतबा तो गैस मिलेगी। ये लोग कह रहे हैं गैस लोड शेडिंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल सुल्तान, ये दावे तो बहुत किए गए शुरू में, गर्मियों सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये दावे किए जाते रहे कि मौसम सरमा में गैस की बिला तातिल फरहमी जो है वो घरेलू सार्फीन को जारी रहेगी, मगर जो अमली इकदाम है वो नज़र नहीं आते। जो हकीकत है, हकायक कुछ ऐसे हैं कि शहर के मुतद्दद इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस जो है वो शहरियों को दस्तयाब नहीं है। दिन के वक्त तो बिल्कुल भी गैस दस्तयाब नहीं होती, लोग जो है वो बच्चे सुबह भूखे जो है वो नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं। 5 बजे जाके गैस आती है, रात 12 बजे के बाद गैस आती है। एक्चुअली सूरत हाल ये है कि जब गैस का इस्तेमाल बहुत कम होता है रात के औकात में, उस वक्त गैस आती है। जैसे रात को 2 बजे के बाद आएगी, 3-4 बजे 5 बजे तक गैस रहेगी, उसके बाद फिर गैस चली जाएगी। खास तौर पर जो इलाके जो है वो मेन से ज़रा हट के हैं, जैसे ये इचरा का इलाका जहाँ पर हम आए हैं, यहाँ के मेन पे जो है वो गैस आ रही है, मगर थोड़ा सा आप हट जाएं जो है वो थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यहाँ पर जो है कि ये जैसे जावेद मार्केट का इलाका है इचरा का, यहाँ पर गैस नहीं है। इसी तरह ये पूरा रहमानपुरा और ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर गैस नहीं है। अच्छा, जब टीमें आती हैं चेक करने के लिए तो उनको पता लगेगा कि मेन पे तो गैस आ रही है। अब जिस तरह इस इलाके में हम पहुँचे हैं, जवेद मार्केट, रहमानपुरा चले जाएं, शालीमार टाउन चले जाएं, अंदरून खाते में वहाँ कोई गैस नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल गैस नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। और अजियतनाक सूरत हाल ये है के LPG माफिया भी सरगर्म हो गया है। मैं आता हूँ आपके पास, ये खवातीन मुझे नजर आ रही है, इनसे जरा बात कर ले क्योंकि इनका मौका बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आपके घर गैस आ रही है? नहीं। तो कैसे गुजारा कर रही हैं आप? बस सिलेंडर पे, या जब रात को आ जाती है खाना पका लेते हैं हम लोग। तो बच्चों ने खाना खाना होता है, बुजुर्गों ने खाना खाना होता है, कैसे मैनेज कैसे होता है? मैनेज कुछ भी नहीं, कभी बाजार से मंगा लिया, कभी आ गई, या लकड़ी जला के पका लिया।
تو کپتان نے تو اعلان کیا قسمت میں لوڈ شیڈنگ ہوگی نہیں گیس کی, پوری گیس فراہم کی جائے گی. کپتان نے تو بہت کچھ اعلان کیا تھا, ہوا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہوا تو تبدیلی نہیں آئی؟ نہیں, ہمارے یہاں تو نہیں آئی. نہیں آئی تو آپ کیا مایوسی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ مایوسی نہیں, اللہ پہ تو امید ہے کچھ نہ کچھ حالات تو بدلیں گے, لیکن جو بھی آتا ہے کرتا کچھ بھی نہیں ہے. کتنے عرصے سے آپ کے اس علاقے میں گیس کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ہو گئی چار پانچ سال سے مسئلہ ہے, اور کبھی کسی نے مسئلہ حل نہیں کیا؟ نہیں, ووٹ لینے آتے ہیں, گیس کا بھی کریں گے, بجلی کا بھی کریں گے, کرتے کچھ بھی نہیں. لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, وعدہ نبھاتے نہیں ہیں. بالکل گیس آ رہی سر, آف دا ریکارڈ بات کروں میں آپ سے. نہیں نہیں, آن دا ریکارڈ, آن دا ریکارڈ بات کرتا ہوں میں آپ سے کہ گیس پرابلم ہے کیونکہ ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے, رائٹ. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ جو کمپریسر لگاتے ہیں وہ سوئی گیس والے نہیں لگاتے, ہم لوگ لگاتے ہیں, ہم خود لگاتے ہیں. ہمارے گھر نہیں ہے, الیگل ہے, بالکل الیگل ہے. آپ کمپلینٹ کریں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے جی وہ ہمارے محلے میں نا فلاں گھر کمپریسر لگا ہوا, وہ کہہ جی آپ اپنا شناختی کارڈ دیں, ایڈریس دیں, وہ آ کے وہاں چھاپا ماریں گے, چھاپا مار گیا ہے, ان سے پیسے جیب میں ڈالیں گے اور ان کو بتا دیں گے جی فلاں بندے نے نا یہ کمپلینٹ کی تھی. اب وہ فلاں بندہ بھی آپ کے محلے میں لڑائی بھی شروع ہو گئی, انہوں نے آ کے پیسے بھی لے لیے اور کمپریسر بھی نہیں اترا اور گیس بھی نہیں آ رہی. گیس تو جس وقت دیکھیں نا ڈیمانڈ تو بڑھ گئی ہے نا, لیکن جب ہم کمپریسر لگائیں گے تو پریشر تو ختم ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گا. تو ہمارے کا کام ہے نا وہ آگے چیک کریں, ٹیم میں بتائیے اگر آپ کمپلین کر رہے ہیں تو اگر وہ پیسے لے رہے ہیں اور کمپریسر نہیں اتار رہے تو غلطی تو ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے نا, وہ دیکھے اس میں کون ہے وزیر اعظم, کون وزیر اعظم, اس سے کنسرن نہیں. جانے کیا کریں, مجبوری کیا کریں, بغیر ناشتے اسکول جائیں گے طبیعت بھی خراب ہوگی, اب شوگر لیول بھی ڈاؤن ہوگا. یہ احساس ہی نہیں ہے نا ہماری حکومت کو کہ عوام جو غریب ہے وہ پس رہی ہے, وہ پس رہی ہے. آپ چھاپا مارے دیکھتے ہیں, آپ فیئر ہو نا, انصاف, جسٹس. یہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کچھ اور لوگوں سے اگر بات کر لوں. آپ کے گھر گیس آ رہی ہے؟ ہاں جی, بالکل نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی, بہت پریشانی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, بخار ہو جاتا ہے, کچھ چائے نہیں بنا سکتے, دودھ گرم نہیں کر سکتے, اتنا مسائل ہیں گیس کے بغیر. گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کبھی سلنڈر بھروا رہی ہے اور بل ویسے ہی آ رہے ہیں, 1200-1400 بل ویسے ہی آ رہے ہیں. گیس نہیں آ رہی, صرف بل آ رہے ہیں. جی بل ویسے ہی آ رہے ہیں, 1400-1500, اس سے کم نہیں آ رہا, حالانکہ گیس دے نہیں رہے, بالکل بند ہے. گیس آ رہی ہے آپ کے گھر؟ بیٹا گیس کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ نہیں جی, نہیں کھانا میں تبدیلی سرکار بھی ہے. نہیں نہیں, ناراض کیا ہے, جب دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں, کبھی کوئی کھانا پراپر نہیں پکتا. نہیں پکتا تو گزارا کیسے ہوتا ہے گھر میں؟ تو بچے بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں. بچے بھی ہوتے ہیں, سلنڈر رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پتا ہے تنخواہ دار طبقہ کہاں جائے, وہ بھی بلاک میں مل رہے ہیں. ہاں جی, تو سارا کچھ وہ مجھے نہیں پتا, میرے میاں صاحب لاتے ہیں لیکن وہ بھی مہنگی ہے, تو کوئی گیس کا کوئی تعلق نہیں ہے. گیس دے رہے ہیں, گیس سے گزارا تو نہیں ہوتا نا. میرے میاں صاحب لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے, ابھی سردیاں پراپر آئی نہیں, ابھی تو اضافہ ہونا شدت میں ہو. ہاں جی, تو جب بچے اسکول بھوکا جائے گا اس ماں کے دل پہ کیا بیتے گی؟